हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने इंटीजर्स को डिस्कस किया था। अब इस लेक्चर में हम इंटीजर्स और उसके कुछ ऑपरेशंस को डिस्कस करेंगे। यस, सम प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द इंटीजर्स। जब आप इंटीजर्स को सॉल्व करते हैं तो वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे कि जब आप डिजिट्स देखते हैं तो दो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं तो वहाँ पर हमेशा प्लस करते हैं, बट आंसर जो आता है वो हमेशा पॉजिटिव आता है। और जब एक डिजिट प्लस की हो और एक माइनस की, या फिर एक डिजिट माइनस की हो या प्लस की, मीन्स फर्स्ट वाली प्लस हो या सेकेंड वाली माइनस, या फर्स्ट वाली माइनस हो सेकेंड वाली प्लस, दोनों ही कंडीशन में वहाँ पर हम लोग सब्ट्रैक्शन करते हैं। बट आंसर जो हमारा आता है, लास्ट फाइनल आंसर जो आता है हमारा, वो आता है डिजिट के अकॉर्डिंग, मींस कौन सी डिजिट हमारी ग्रेटर है और कौन सी स्मॉलर। जो डिजिट ग्रेटर होगी साइन उसी के अकॉर्डिंग आएगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपका -6 ग्रेटर है तो, और 6 पर अगर प्लस का साइन है तो आपका प्लस में आंसर आएगा, और माइनस का साइन है तो माइनस में। और सेम साइन वाले इंटीजर्स को प्लस करते हैं, चाहे वो प्लस के हों या माइनस के, वहाँ पर हम दोनों ही कंडीशन में क्या करते हैं, ऐड। बट प्लस और प्लस को ऐड करने पर आंसर पॉजिटिव आता है, और माइनस को ऐड करने पर आंसर आपका निगेटिव आता है। यस, लुक एट हियर, हियर आर सम प्रॉब्लम्स विच आर रिलेटेड टू एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। 2 + 3 = 5। यू कैन सी 2 इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर एंड 3 इज़ ऑल्सो अ पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो दोनों ही पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, मीन्स दोनों ही सेम साइन के इंटीजर्स हैं, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, प्लस 2 में 3 को प्लस किया, देन 5। यस, 2 इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर एंड 3 इज़ निगेटिव इंटीजर। 1 पॉजिटिव एंड 1 निगेटिव, तो मैंने आपको बताया था डिफरेंट साइन में हम लोग क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन। तो 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट किया, मीन्स 3 माइनस 2 किया, देन 1। अब रही बात साइन की, दो हम डिजिट के अकॉर्डिंग यूज़ करेंगे। 3 इज़ ग्रेटर देन टू 2, 3 2 से ग्रेटर है, और 3 पर किसका साइन है, माइनस का, तो आपका आंसर किस में आएगा, माइनस में। यस, नाउ इट्स थर्ड प्रॉब्लम, -2 विच इज़ ए निगेटिव इंटीजर एंड 3 इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर, निगेटिव एंड पॉजिटिव, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्शन। ठीक है, 3 - 2 = 1, 3 इज ग्रेटर देन टू 2 एंड 3 इज अ पॉजिटिव इंटीजर, सो 1 इज ऑल्सो अ पॉजिटिव इंटीजर। -2 - 3 बोथ आर निगेटिव इंटीजर्स, मीन सेम साइन इंटीजर, तो सेम साइन में क्या किया जाता है, एडिशन। बट आंसर जो आपका रहता है किसमें रहता है, माइनस में। -2 - 3 = -5। नाउ सब्ट्रैक्शन, -26 from -4, मीन्स -26 को किस में से सब्ट्रैक्ट करना है, -4 में से। इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि फ्रॉम के बाद वाला नंबर हमेशा सब्ट्रैक्शन करते टाइम फ्रॉम के बाद वाला नंबर सबसे पहले लिखते हैं, देन राइट हियर -4। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, सब्ट्रैक्शन, क्या करना है, सब्ट्रैक्शन, तो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट का साइन यूज़ किया। किसको सब्ट्रैक्ट करना है, -26 को, तो -26 यहाँ पे लिख दिया। यस, -4 रहेगा, माइनस और माइनस हमेशा क्या होता है, प्लस, देन +26। ठीक है, अब हमारे यहाँ पर एक निगेटिव इंटीजर हो गया और एक पॉजिटिव इंटीजर, एक निगेटिव एक पॉजिटिव, मीन्स डिफरेंट साइन इंटीजर। डिफरेंट साइन में क्या करते हैं हम लोग, -26 - 4 = 22। 26 और 4 में से किसकी वैल्यू ज़्यादा है, 26 की, और 26 हमारा एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो आंसर आपका किस में आएगा, एक पॉजिटिव इंटीजर में। ठीक है, आपको इसको सॉल्व करते टाइम इस एक बात का ये भी ध्यान रखना है कि आपको नंबर्स की वैल्यू को या फिर नंबर्स की प्लेस को चेंज नहीं करना है। जैसे कि आपने यहाँ पर का -4 को पहले लिखा हुआ है, तो यहाँ पर सेकेंड स्टेप में भी -4 पहले ही लिखा रहेगा। ठीक है, ये नहीं कि आप -4 को रिप्लेस करके +4 आगे कर दें, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, नाउ इट्स सेकंड प्रॉब्लम, 4 from -10। फ्रॉम के बाद क्या लिखा हुआ है, -10। फर्स्ट वी राइट हियर -10, सब्ट्रैक्शन करना है, देन साइन ऑफ सब्ट्रैक्शन, माइनस, किसको सब्ट्रैक्ट करना है, 4 को, 4 माइनस करना है ओनली 4 को। ठीक है, अब यहाँ पर आप नोटिस करेंगे तो दोनों ही हमारे निगेटिव इंटीजर से, मीन्स सेम साइन इंटीजर, तो सेम साइन इंटीजर्स को क्या किया जाता है, प्लस, 10 + 4 = 14, और आंसर किस में आता है,
माइनस में। लास्ट लेक्चर में हमारा मल्टीप्लाइकेशन को डिस्कस करना रह गया था, जिसको हम आज डिस्कस करेंगे। रूल्स फॉर मल्टीप्लाइकेशन, इफ नंबर ऑफ डिजिट्स आर इवन देन द प्रोडक्ट इज पॉजिटिव। इट मीन्स दैट आप जिन नंबर्स का आपको मल्टीप्लाई करना है, अगर वो उनकी काउंटिंग इवन है, तो जो प्रोडक्ट आएगा हमारा वह पॉजिटिव इंटीजर होगा। मीन्स यहाँ पर वन डिजिट ये, टू, थ्री, फोर, हाउ मैनी डिजिट्स आर हियर, फोर, एंड फोर इज एन इवन नंबर। फोर इवन नंबर है तो जो हमारा आंसर आएगा वो किस में आएगा, पॉजिटिव इंटीजर में। तो आप अपने माइंड में इस बात को क्लियर रखिएगा कि अब हमारा आंसर किस में आएगा, प्लस में आएगा। ओके ना, सॉल्व हियर। फर्स्ट वी मल्टीप्लाई बाई सिक्स बाई फोर, सिक्स ऑफ फोर का मल्टीप्लाई 24, एंड वन मल्टीप्लाई बाई टेन, वन और टेन मल्टीप्लाई बाई टेन, ठीक है। अब हमारा रह गया 24 मल्टीप्लाई बाई टेन, 24 में 10 का मल्टीप्लाई किया 240। नाउ इट्स सेकेंड रूल, इफ नंबर ऑफ डिजिट्स आर ऑड देन द प्रोडक्ट इज निगेटिव। जैसे कि आपने यहाँ पे देखा था कि यहाँ पर 4 डिजिट्स थी, तो आंसर आपका पॉजिटिव इंटीजर आ रहा था, बट जब नंबर ऑफ डिजिट्स ऑड होंगी तो वहाँ पर जो आपका आंसर आएगा वो एक निगेटिव इंटीजर होगा। जैसे कि माइनस टू, वन, टू, थ्री, हाउ मैनी डिजिट्स आर हियर, थ्री डिजिट्स, राइट, एंड थ्री इज ऑड नंबर, ठीक है। तो आंसर आपका किस में आएगा, माइनस में, किस में आएगा, माइनस में। मीन्स आपका जो आंसर आएगा वो एक निगेटिव इंटीजर होगा। ओके ना, सॉल्व हियर। टू मल्टीप्लाई बाई फोर, टू मल्टीप्लाई बाई फोर, टू माइनस टू माइनस फोर का मल्टीप्लाई किया, यानी कि जब दो माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर प्लस में आता है, एट। बचा हमारा माइनस थ्री, माइनस थ्री को यहाँ लिख लिया। एट मल्टीप्लाई बाई थ्री, 24, राइट, एट मल्टीप्लाई बाई थ्री, यहाँ पर एक माइनस था तो एक माइनस लगा दिया। मीन्स जो रूल्स है ना एडिशन के लिए अप्लाई होता है, वो यहाँ वो रूल यहाँ पर भी कुछ कुछ अप्लाई हो जाता है। जैसे कि जब दो प्लस को, जैसे कि जब हम लोग दो माइनस को, जब हम लोग दो प्लस को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव, किस में आएगा, पॉजिटिव। और जब एक प्लस और माइनस की डिजिट का मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमारा किस में आएगा, माइनस में। और जब दो माइनस माइनस वाली डिजिट का मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर किस में आएगा, प्लस में, ठीक है। यस, लुक एट एग्जाम्पल थ्री। माइनस वन को अगर 51 टाइम्स हमें मल्टीप्लाई करना है तो आपका आंसर क्या आएगा। एज यू नो डेट वन का आप कितने भी टाइम मल्टीप्लाई कर लीजिए, आंसर हमेशा क्या आता है, वन। तो वन का आप 51 टाइम करिए, 100 टाइम करिए, 1000 टाइम करिए, आंसर तो आपका वन ही रहेगा। अब यहाँ पर प्रॉब्लम है तो साइन की, कि आपका आंसर माइनस में आएगा या प्लस में। तो आप देखेंगे माइनस वन को कितने टाइम लिखना है, 51 टाइम्स। माइनस वन को कितने टाइम लिखना है, 51 टाइम्स। तो माइनस 51 इज अ ऑड नंबर, ठीक है। और ऑड नंबर का आंसर किस में आता है, नेगेटिव। तो आंसर हमारा आ जाएगा माइनस वन। नाउ रूल्स फॉर डिवीजन, द क्वोशेंट ऑफ टू इंटीजर विद द सेम साइन इज पॉजिटिव। मीन्स जब हम लोग दो इंटीजर्स का डिवाइड करते हैं तो सेम साइन वाले इंटीजर्स का डिवाइड करते हैं तो जो क्वोशेंट आता है वो हमेशा पॉजिटिव आता है। जैसे कि -24 एंड -12 बोथ आर सेम मीन्स सेम साइन इंटीजर्स, ठीक है। तो आंसर आपका पॉजिटिव आया। 64 एंड 8 बोथ आर पॉजिटिव इंटीजर्स, तो आपका आंसर भी एक पॉजिटिव इंटीजर ही आएगा। द क्वोशेंट ऑफ टू इंटीजर्स, और जब हम लोग डिफरेंट साइन वाले इंटीजर्स को डिवाइड करते हैं, जैसे कि एक निगेटिव इंटीजर है और एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो आंसर आएगा माइनस में, फिर भले ही वहाँ पर डिवाइडेंड हो या डिवीजर। बट अगर दोनों में से कोई भी एक निगेटिव इंटीजर है तो आंसर आपका हमेशा निगेटिव इंटीजर ही आएगा, और जब दोनों सेम साइन के इंटीजर होंगे तो आंसर आपका हमेशा पॉजिटिव इंटीजर आएगा, ठीक है। आई थिंक आपको इंटीजर्स अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा, और अगर आपको क्लियर हो गया है तो मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आपको दे रही हूँ, जो अब आपको खुद ट्राई करने हैं।
देखिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है एडिशन के जो आपको सॉल्व करने हैं, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस। आई थिंक अब आपको इन सब को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। इस टाइप का एग्जाम्पल एक मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। हाँ, इस बात का ध्यान रखिएगा कि ज़ीरो का किसी भी नंबर में कितनी ही बड़ी डिजिट में मल्टीप्लाई कर दिया जाए, आंसर हमेशा ज़ीरो रहता है। और ज़ीरो में किसी नंबर से जब हम डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर भी हमेशा ज़ीरो आता है। दोनों ही कंडीशन में आंसर आपका क्या रहेगा? ज़ीरो। ओके, नाउ बेस्ट ऑफ लक।